हेलो एवरीवन, लेट स्टार्ट टुडेज टॉपिक कैपिटल गेन। हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हमने काफी सारे सेक्शंस यहाँ पे देख लिए हैं और लास्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, विच इज रिगार्डिंग एग्जेम्पशंस। ठीक है, कैपिटल गेन में आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम आ रही है, जो अमाउंट आ रहा है, उससे बचने का एक रास्ता एक्ट में खुद गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो जो कंप्यूटेशन हम देख रहे थे सेक्शन 48 में, उसका फ्लो कुछ ऐसा था कि सेल कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, दैट इज नेट सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, फिर आता है LTCG या STCG, इतना तो हमने देखा ही था। अब इसमें से आप चाहो तो एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हो। फिर जो बचेगा, ठीक है, ये टैक्सेबल अमाउंट होगा। अब हम इस एग्जेम्पशन की बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी तक हमने कुछ डिस्कस नहीं किया था, तो अब देख लेते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। अब एग्जेम्पशन का सिर्फ एक सेक्शन नहीं है यहाँ पे, सेक्शन 54 है और उसकी पूरी सीरीज है जो हम आगे देखेंगे, अभी कवर करेंगे एक एक करके, सेक्शन 54B, सेक्शन 54D, EC EE, ठीक है, और फिर 54GA, 54GB, ऐसे काफी सारे सेक्शंस हैं, तो एक एक करके उनको क्लैरिफाई करते जाते हैं कि एग्जैक्टली इसमें आपको करना क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले सेक्शन नंबर 54 से शुरुआत कर रहे हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड फॉर रेसिडेंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं RHP शॉर्ट में यूज कर रहा हूं, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो 54 सेक्शन ये बोलता है कि अगर आप एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करते हो, जिसको आप रहने के लिए यूज कर रहे थे, और उस प्रॉपर्टी के सामने आपको कुछ कैपिटल गेन होता है, वो कैपिटल गेन का पैसा आप दूसरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हो, तो कैपिटल गेन से आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है, पॉसिबल है। देखो ये सेक्शन बनाने का लॉजिक क्या है, इंटेंशन क्या है, वो समझो आप। सपोज ऐसा है कि आप एक पर्टिकुलर फ्लैट में अभी रहते हो और आपका इंटेंशन है कि घर चेंज करना है, ठीक है, तो बहुत पुराना हो गया है फ्लैट, या फिर दूसरे एरिया में शिफ्ट करना है बिजनेस के लिए, या और कोई भी रीजन हो सकता है, तो आपको चेंज करना है घर। तो जो प्रिमाइसिस में आप रह रहे हो वो ये वाली RHP है, ठीक है, तो ये RHP में आप रह रहे हो। अब जब आप इसको बेचोगे तो उससे पैसा जो मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको कुछ ना कुछ गेन होने वाला है। ये प्रिमाइसिस सपोज आपने परचेज की थी ईयर 2002-2003 में, आज अगर आप इसको बेचोगे 2019-20 में, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ गेन होने के पूरे चांसेस हैं। अब यहाँ पे LTCG होगा, तो LTCG में हमने देखा कि टैक्स रेट कितना है, 10% 20% वाला रेट है। 10% वाला जो ऑप्शन है उसमें तो जनरली अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और ये सब की बात की हुई है, तो 20% कैपिटल गेन भरोगे तो बचेगा क्या, और मैटर भी बड़ा है, अमाउंट भी बड़ा है। तो उन्होंने बोला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्ट में ये चीज बोली कि हमें पता है कि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचने वाला जो सेलर है, वो एक घर बेच के हो सकता है दूसरा घर खरीदने की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, तो ऐसे पर्सन को टैक्स में एग्जेम्पशन देना जरूरी है, क्योंकि एक प्रिमाइसिस से वो दूसरी प्रिमाइसिस में शिफ्ट होना है, तो एक बेच के दूसरा लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि कलेक्शन करके रख लें कि भाई जितने घर खरीदे हो कभी बेचा नहीं, हमेशा नई प्रॉपर्टी खरीदे, या फिर इस पे कैपिटल गेन भर के बचे हुए पैसों में से प्रॉपर्टी खरीदे, उसमें अननेसेसरीली नुकसान हो जाएगा SEC का, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। तो उसी चीज के लिए सेक्शन बनाया और बोला, एक काम करो, आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचो, उससे जो भी कैपिटल गेन हो रहा है उस पैसों से एक और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले लो, तो आमने सामने आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, टैक्स एग्जेम्पशन आपको हम सेक्शन 54 में देंगे। ये ओवरऑल ऊपर से एक बेसिक स्कीम है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर हम सेक्शन की टेक्निकलिटीज को भी देखेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया कि सेक्शन काम कैसे कर रहा है, क्लियर है। तो ये पूरी 54 वाली सीरीज का अप्रोच ही है ये, कि एक असेट बेच के अगर कैपिटल गेन हो रहा है, उस कैपिटल गेन के टैक्सेबिलिटी से बचना है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं दूसरी कैपिटल असेट में इन्वेस्ट कर दो। अब क्या बेचा और कहां इन्वेस्ट किया, बस वो हमें यहाँ पे सीखना है और एक एक करके क्लैरिफाई करते जाना। तो ये फॉर्मेट हो गया इसका। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। देखो हो क्या रहा है, RHP सेल की कैपिटल गेन हुआ, RHP परचेज कर ली। अब यहां पे उन्होंने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का कोई क्लैरिफिकेशन दिया है, अगर नहीं तो फिर हम दोनों मान सकते हैं। उन्होंने क्लियर बोला है जो कैपिटल असेट है इट शुड बी लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है और अगर आपने उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया हुआ है, तो
गेन तो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, तो उन्होंने सिर्फ ये बोला कि कैपिटल गेन वर्ड यूज किया, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म नहीं बोला है। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, ड्यूरेशन उसका लॉन्ग टर्म हो सकता है, तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि इट कैन बी LTCG, इट कैन बी STCG, दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को आपने सेल किया, उसके सामने दूसरी हाउस प्रॉपर्टी ली। अब देखो इसमें ना बहुत सारी प्रैक्टिकल कंडीशंस होती हैं, ये आपको रिलेट भी हो जाएंगी अगर आपने कभी ये चीज रिसेंटली अपने घर में देखी हो कि भाई एक घर आपने बेचा उसके बदले दूसरा घर लिया, तो डिफरेंट सिचुएशंस होती है। मेजॉरिटी केस में क्या होता है कि भाई मिडिल क्लास फैमिली है, एक घर जो ऑलरेडी है हमारे पास उसको बेचेंगे, पैसा आएगा तो सामने दूसरे घर का पेमेंट करेंगे, अदरवाइज हम फंड कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो यूजुअली तो यही होता है कि लोग क्या करते हैं, अपना एग्जिस्टिंग घर बेच देते हैं। ठीक है, फिर कितने लोग तो ये भी करते हैं कि रेंटेड प्रीमाइसिस पे टेम्पररी रहने के लिए चले जाते हैं, तब तक उस घर से आया हुआ पैसा नए जो भी प्रीमाइसिस खरीद रहे हैं उसके ओनर को देंगे, उसमें काम करवाएंगे, इंटीरियर करवाएंगे, फिर रहने देंगे। यूजुअली यही प्रोसेस होता है, एक तरीका ये है। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी अच्छी है और कोई जल्दबाजी नहीं है, अगर ये घर पहले बेचने की जल्दी करेंगे तो हो सकता है कि जो उसका प्राइस आपको मिले वो उतना अच्छा ना मिल पाए जितना आपने सोचा था, बिकॉज आपको जल्दी है उसको बेचने की, और एक बार खरीदने वाला कोई सामने बायर मिले और उसको ये चीज रियलाइज हो जाए ना कि आपको बेचने की जल्दी है, तो फिर वो भी प्राइस में थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके प्राइस कम करा लेगा। आपने सोचा छोड़ो अभी इसको रहने देते हैं, ब्रोकर्स को बोल के रख देते हैं, बायर्स को थोड़ा सा इन्फॉर्म करके रख देते हैं, न्यूज पेपर में एड दे देते हैं, मीनवाइल दूसरा घर खरीद लेते हैं, इसका जो पैसा है वो हमारे पास अरेंज हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको खरीद लेते हैं और फिर ये जब बिकेगा तब बेचेंगे। क्लियर, तो आपने इसको बेचने से पहले नया वाला खरीद लिया या फिर इसको बेचने के बाद नया वाला खरीदा, दोनों में से कोई भी सिचुएशन होगी, ये पॉइंट यहां पे कवर्ड है। न्यू प्रॉपर्टी अक्वायर्ड बिफोर और आफ्टर, मैं पूरा ये समझाऊंगा आपको, ये पॉइंट यहां कवर्ड है। दूसरी सिचुएशन थोड़ा बड़ा सोचते हैं ना, कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि आपने घर बेचा, उसके सामने ये फ्लैट था या बंगलो था, रो हाउस था, बट आप नई प्रॉपर्टी रेडीमेड नहीं खरीद रहे, जमीन खरीद के उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये भी तो पॉसिबल है। अब कंस्ट्रक्शन पहले से चालू कर दिया हो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो यहां पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन वाले केस में बोला है आफ्टर, शुरू भी कर दिया होगा तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट तो घर बेचने के बाद ही होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने में भी टाइम लगता है। आज आप खाली जमीन ले रहे हो, उस पर पूरा बंगला बनवा रहे हो, उसमें इंटीरियर करवा रहे हो, तो वो कंप्लीशन होते होते टाइम लग जाएगा, तो इसलिए उन्होंने कंस्ट्रक्शन में बोला है कि इट इज कंस्ट्रक्टेड आफ्टर। हो सकता है कि आपने उसको स्टार्ट पहले कर दिया हो लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट इस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद हुआ है, ये कंडीशन है। अब इन सारे पॉइंट्स को लेके एक टाइम लिमिट की कुछ फ्रेम है कि भाई इतने टाइम में ये सब हुआ होगा तो एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल होगा। क्लियर है, चल देख लेते हैं उसको, क्लैरिफाई कर लेते हैं कि टाइम लिमिट क्या है वो देख लो। जैसे जैसे है मैंने वैसे ही पॉइंट्स बताए आपको। इन्होंने बोला कि कैपिटल गेन अराइज हुआ किसी असेसी को जो इंडिविजुअल है या फिर HUF है, तो ये कंडीशन आप खास ध्यान रखना कि ये जो सेक्शन है उसका बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल या HUF असेसी को मिलता है और किसी को नहीं, ये पहले ही क्लियर कर दिया। ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस ईदर सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट, प्रॉपर्टी का रेसिडेंशियल होना जरूरी है, आप उसको खुद ऑक्यूपाई करके बैठे थे या लेट आउट कर रखा था उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक एक कंडीशन आपको बता रहा हूं। द इनकम ऑफ विच इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड वेयर द असेसी और इन केस हिज डेथ हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो तो ठीक हैज परचेज्ड वन रेसिडेंशियल हाउस, ये परचेज मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, इन इंडिया विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर बिफोर, ठीक है, वन ईयर बिफोर और विद इन अ पीरियड ऑफ टू ईयर्स आफ्टर, मतलब ये जो ओल्ड RHP जब आपने ट्रांसफर किया इसके एक साल पहले ये ड्यूरेशन वन ईयर या फिर ये ड्यूरेशन टू ईयर, अगर इसमें आपने कभी भी न्यू RHP परचेज किया तो चलेगा, वैलिड, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आगे समझ में क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्ट किया तो उसके लिए बिफोर वाला पॉइंट नहीं है, कंस्ट्रक्शन में बोला है उन्होंने कंस्ट्रक्टेड वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया विद इन 3 years आफ्टर सच ट्रांसफर, इसके 3 साल, यहां से 3 साल देखे जाएंगे,
कंस्ट्रक्शन करने में टाइम लगता है, तो अगले 3 साल में कभी भी कंस्ट्रक्शन करवा लो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन का कंप्लीशन मैटर करता है कि कंस्ट्रक्शन कब हो गया, जैसी लैंग्वेज लिखी है उससे उतना ही इंटरप्रिटेशन निकल रहा है। तो इतने पॉइंट्स तो आपको समझ आ गए। देखो बहुत सारी चीजें थी, आरएचपी के सामने आरएचपी, प्रॉपर्टी का होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं। अब उसको आप जब ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें जो कैपिटल गेन अराइज होगा दैट डिपेंड्स कि अगर आपने प्रॉपर्टी को डेप्रिशिएट किया है तो सेक्शन 50 लग जाएगा, नहीं किया है तो LTCG आ जाएगा। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो चाहे लेट आउट के लिए यूज की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। डिडक्शन या एग्जेम्पशन सिर्फ इंडिविजुअल या HUF SSC के लिए है और किसी के लिए नहीं है। और दूसरे पॉइंट में बोल रहे हैं कि नया RHP जो आपने लिया वो अगर आपने अक्वायर किया है तो आप एडवांस में भी अक्वायर कर सकते हैं प्रीवियस 1 ईयर में, और बाद में अगले 2 साल में भी कभी भी खरीद ले तो भी चलेगा। अगर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो अगले 3 साल में कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए, इतनी कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं, अब आया पॉइंट अमेंडमेंट वाला, ठीक है। ये अमेंडमेंट इस बार का है फिनांस एक्ट 2019 AY 2021, लेटेस्ट अमेंडमेंट, लास्ट एग्जाम तक नहीं था ये, अभी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लेटेस्ट अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट में उन्होंने बोला कि ये जो बार बार बोल रहे थे ना कि ओल्ड RHP के सामने न्यू RHP आपको खरीदनी है, तो अभी भी आपने पढ़ा जो पॉइंट उसमें लिखा था 1 RHP, ऐसा लिखा है बार बार 1 RHP, ये 1 में अमेंडमेंट हो गया। ये हाउस प्रॉपर्टी में भी तो अमेंडमेंट हुआ, हमने उसमें भी डिस्कस किया ना सेक्शन 23 में, वही चीज यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर रही है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपका LTCG जो जनरेट हुआ यहाँ पे, मैं एक बार STCG नहीं लिख रहा हूँ, जो LTCG आपको यहाँ पे जनरेट हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि पॉइंट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इफ दिस LTCG इज अप टू ₹2 करोड़, 2 करोड़ रुपए तक का अगर LTCG है तो ये अमेंडमेंट आपके काम का है, अदरवाइज ये अमेंडमेंट आपके काम का नहीं है। पहली चीज ये क्लियर। तो LTCG अगर 2 करोड़ रुपए तक का है तो आपको एज एन असेसी यहाँ पे ये बेनिफिट मिलेगा कि आप ओल्ड RHP के सामने एक के बदले अगर 2 घर खरीद लेते हैं इन पैसों को यहाँ खर्च करने के लिए तो भी चलेगा। 2 प्रॉपर्टी खरीद लेंगे तो दोनों में किया हुआ खर्चा यहाँ वैलिड माना जाएगा, क्योंकि 2 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बहुत बड़ा अमाउंट है, और हो सकता है कि आपको एक ही प्रॉपर्टी में इतना पैसा नहीं लगाना है। तो आपने क्या सोचा भाई 2 प्रॉपर्टी ले लेते, जैसे आपकी ज्वाइंट फैमिली है तो इतनी हमारे एरिया में इतना रेट ही नहीं है तो 2 करोड़ रुपए कहाँ डालेंगे, तो इससे बेटर है 2 प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो आप 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले सकते हैं, फिर आप एक में रहें और एक लेट आउट कर दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस बात से इस सेक्शन के एग्जेम्पशन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो फिर अलग पॉइंट है, वो तो लेट आउट वाली इनकम पे आने ही वाला है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट पॉइंट, उसमें भी पंगा नहीं। अभी तो हो गया है ना, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हो तो दिक्कत ही नहीं आने वाली, तो वो पंगा भी नहीं होगा। तो 2 RHP अगर आप ले लो, आपका LTCG अगर अप टू 2 करोड़ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्लियर। तो ये कंडीशन है यहाँ पे। दिस बेनिफिट ऑफ 2 हाउस प्रॉपर्टीज इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट इज अवेलेबल, मतलब टाइम लिमिट ये रहने वाली जो थी, ठीक है, उसमें फर्क नहीं। और ये जो बेनिफिट है ना 2 हाउस प्रॉपर्टी वाला, ये आपको वंस इन अ लाइफ टाइम मिलेगा, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ये कुछ वैसा ही है। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी फिर आप घर चेंज करोगे तो एक के सामने 2 प्रॉपर्टी खरीदने पे दोनों का अमाउंट कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा फॉर एग्जेम्पशन पर्पस। तो ये पर SSC एक ही बार क्लेम हो सकता है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका अमेंडमेंट वाला पॉइंट था। गारंटी एग्जाम में इसके ऊपर MCQ मिलने वाला है, क्योंकि वो कैलकुलेशन में ये पॉइंट या फिर डायरेक्टली भले आपसे क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन इस पॉइंट को यूज करने की कोशिश जरूर होगी, तो ये पॉइंट पढ़ना वर्थ है, आप इसको इग्नोर मत करना। अब नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, कितना एग्जेम्पशन मिलेगा वो भी देख लो। दो चीजें हैं एग्जेम्पशन के लिए, एक तो जितना आपने अमाउंट स्पेंड किया आफ्टर न्यू RHP, दूसरा उन्होंने एक और चीज बोली है, अगर सपोज जैसे LTCG का जो अमाउंट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ 70 लाख रुपीज का, आपने न्यू प्रॉपर्टी जो परचेज की वो 50 लाख रुपए की है, और अभी आप और पैसा इस पर खर्च कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जल्दी जल्दी में ज्यादा पैसे दे दूं, ऐसा तो होगा नहीं। आपको एक ऑप्शन मिलता है कैपिटल गेन
डेवलपमेंट अकाउंट स्कीम, ऐसा करके इन्होंने डिपॉजिट अकाउंट स्कीम, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम, ये जो है दिस इज अ सेपरेट बैंक अकाउंट, ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक में आप ओपन करवाओ, और जो ऊपर के 20 लाख है ना वो पैसा इसमें डिपॉजिट करके रख दो, ठीक है, बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न। और उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि ये अमाउंट भी एग्जेम्पशन के लिए कंसिडरेशन में लिया जाएगा और पूरे 70 लाख का एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हो, क्लियर। तो 70 लाख रुपए कैपिटल गेन हुआ, 50 लाख की नई प्रॉपर्टी ली, 20 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, काम हो गए, ऐसा अलाउड है, ऐसा चलेगा, कोई इशू नहीं, बट विद अ कंडीशन, ये पैसा, ये 20 लाख रुपए अगले 3 साल में आपको स्पेंड करना पड़ेगा फॉर बाइंग अ प्रॉपर्टी, या तो इस प्रॉपर्टी पे खर्च करो या नई प्रॉपर्टी खरीदने पे यूज करो, बट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के पर्पस के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। अगर 3 साल के अंदर अंदर इस पैसे को इस प्रॉपर्टी पे आपने वैल्यू एडिशन के लिए या नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यूज नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ये अमाउंट 3rd ईयर के एंड पे अपने आप टैक्सेबल हो जाएगा और वही कैपिटल गेन का टैक्स आपको भरना पड़ेगा जो आज भरने के लिए पहले बोल रहे थे बट आपने यहाँ पे पैसा रख दिया, ये चीज क्लियर है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे होती है। तो इन शॉर्ट अगर आपने दोनों जगह इन्वेस्ट किया तो इस तरीके से आप कंबाइन अमाउंट ले सकते हो, या फिर इन दोनों में से जो भी है विच एवर इज लोअर, आपने सपोज इसमें पैसा लगाया ही नहीं तो फिर 50 लाख रुपए एग्जेम्पशन, बाकी का 20 लाख टैक्सेबल। अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी और सारा 40 लाख रुपए इसमें डाल दिया तो फिर इतना डिडक्शन, तो दोनों में से विच एवर इज लोअर ही देखा जाएगा, तो ये कंडीशन है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नोट में जो बोला है एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 RHP, वो बिफोर अमेंडमेंट वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, पर क्योंकि मैंने अमेंडमेंट अलग से बॉक्स में लिखा है फिर मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, तो आप 1 के बदले वहां पे ऑब्लिक करके 2 RHP लिख दो एज पर अमेंडमेंट, तो स्टार मार्क कर देना चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम द LTC, अच्छा ये तो वही है, ये सेम चीज हो गई जो मैंने आपको बताई, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम वाला जो पार्ट है ये वो चीज है, नीचे भी वही पॉइंट बताया हुआ है अनयूटिलाइज अमाउंट के लिए क्या करना है। और फिर बोल रहे हैं कि जो नया घर खरीदा ना आपने, न्यू RHP, ये न्यू RHP को आपको होल्ड करना पड़ेगा फॉर 3 ईयर्स, क्योंकि आपने इस पर एग्जेम्पशन लिया। अगर आपने इसके सामने ये घर खरीदा और इसको अगले 3 साल के अंदर ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया, तो जितना भी एग्जेम्पशन मिला था रिवर्स हो जाएगा, टैक्सेबिलिटी फिर से आ जाएगी, ठीक है, ये कंडीशन का ध्यान रखना। अब उसको ये लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझो, इफ न्यू हाउस इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन द कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस वुड बी रिड्यूस्ड बाई द कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड अर्लियर अंडर सेक्शन 54। अब ये जो चीज बोल रहे हैं ये घुमा फिरा के आपकी बैंड बजा रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पे करना पड़ेगा। देखो इसको कुछ अपने एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। नया हाउस है, उसको आपने ट्रांसफर किया, कितने ड्यूरेशन में, 3 साल के अंदर, द कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस वुड बी रिड्यूस्ड बाई द कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 54। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि ये घर है, इसको आप जब सेल करोगे तो कुछ वैल्यू ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो ये वाला आपने सेल किया था और ये वाला आपने बाई किया था, यही हुआ था। अब सपोज आपने बाई किया था इसको, कुछ डेटा ले लेते हैं, ये इसको आपने सेल किया 1 करोड़ रुपए में, इस पे आपको LTCG हुआ 40 लाख रुपीस, उसी 40 लाख से आपने ये प्रॉपर्टी ले ली, पूरा एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा वैल्यू बढ़ा देते हैं तो फिर पंगा हो जाएगा, 90 लाख कर रहा हूं, 40 लाख यहाँ पे यूज किया, 50 लाख रुपए और आपने ऐड करके 90 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली, इतना हुआ। अब कंडीशन ये थी कि ये प्रॉपर्टी आपको 3 साल तक होल्ड करनी थी, आप बेच नहीं सकते, बट आपने इसको बेच दिया 3 साल खत्म होने से पहले। अब जब इसको बेचोगे तो मैं इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, मतलब जो न्यू RHP है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब ये प्रॉपर्टी बिकेगी ना तो इसकी भी तो एक सेल वैल्यू होगी, अब उसकी बात करते हैं। तो इसका आपने सेल कंसिडरेशन चार्ज किया 1.15 करोड़, ठीक है। अब इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस तो होगा, ठीक है,
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस प्रॉपर्टी का इस केस में आप क्या लोगे? आइडियली तो आप 90 लाख बोलोगे, आइडियली आप 90 लाख बोलोगे। वो क्या बोल रहे हैं, क्या लेना है? उन्होंने बोला कि ये जो अमाउंट है इसमें से आपने पिछली बार जितना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट करवा लिया था वो करो लेस, ठीक है? तो ये माइनस कर दो, कितना हो गया 50 लाख। तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया सिर्फ 50 लाख रुपए। तो अगर यहाँ पे इंडेक्सेशन होना नहीं है क्योंकि 36 मंथ से कम है, तो ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा, तो आपको सिर्फ 50 लाख रुपीज लेस करने को मिलेगा, बाकी का अमाउंट टैक्सेबल। बात तो वही हो गई ना, सीधा सीधा बोल देते तो भी टैक्सेबिलिटी जो है वो 40 लाख पे आनी थी, बट घुमा फिरा के बोला इन शॉर्ट 40 लाख टैक्सेबल हो जाएंगे। बट उनका जो प्रोसेस करने का तरीका है वो ये है, कहीं कैलकुलेशन में ये चीज करनी पड़ी तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे गिनते हैं। तो ये दिस इज द इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द सेक्शन विच इज गिवन, सेक्शन नंबर 54। अब कंडीशन क्लियर? तो ये एक सेक्शन जो है वो पूरा आपको अब समझ में आ गया, तो आई डोंट थिंक कि बाकी के सेक्शन में अब कोई तकलीफ आएगी, क्योंकि फ्लो पूरा ऐसे ही, ठीक है? आप इसको 2 मिनट लेके पहले ये सेक्शन पूरा फिर से समझ लो, फिर अभी जो मैं आगे के सेक्शन आपको समझा रहा हूँ उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप यहां तक तो कोई क्वेरी नहीं आई होगी। चल अब हम इसके बाद अगला सेक्शन देख लेते हैं, सेक्शन 54 के बाद है सेक्शन 54B। अब इसी फॉर्मेट को कंटिन्यू करना है, कौन सी एसेट बेची, कौन से टाइप का गेन हुआ, गेन होने वाला असेसी कौन है जिसको ये एग्जेम्पशन मिलेगा, सामने कौन सी एसेट खरीदनी पड़ेगी और एग्जेम्पशन कितना मिलेगा और कंडीशंस क्या है, फ्लो वही रहने वाला है। देखो नेक्स्ट सेक्शन है 54B, मैं आपको कंडीशंस बताता जा रहा हूं। यहाँ पे पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ लैंड विच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, ठीक है? ये बोल रहे हैं कि वेयर एनी कैपिटल गेन ईदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अराइजेज ऑन द ट्रांसफर ऑफ लैंड which in the 2 years immediately preceding the date of transfer was being used by the assessee being individual or his parents or HUF for agriculture purpose। यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि जो असेट है कैपिटल असेट वो क्या है, एक एग्रीकल्चर लैंड है जो पिछले 2 साल से एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रही थी, ये जरूरी है। एग्जेम्पशन किसको मिलेगा, या तो इंडिविजुअल को, या फिर उसके पेरेंट्स यूज कर रहे हो तो भी वो क्लेम कर सकता है, या अगर HUF के नाम से जमीन है तो HUF भी क्लेम कर सकता है। मतलब इंडिविजुअल और HUF दोनों ये सेक्शन में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि इस एग्रीकल्चरल लैंड का पिछले 2 साल में एग्रीकल्चर यूज हुआ होना जरूरी है। यूज किसने किया हो, इंडिविजुअल ने किया हो या उसके पेरेंट्स ने किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जमीन इंडिविजुअल के नाम पे हो या HUF के नाम पे हो उस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को एग्जेम्पशन मिलेगा। इतनी कंडीशन बताई। जो कैपिटल गेन की बात हो रही है जो यहाँ पे अराइज होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। ऊपर वाले सेक्शन 54 में उन्होंने शॉर्ट टर्म की बात नहीं की थी, तो मैं भी वहां पे लॉन्ग टर्म वर्ड को ही लेके चल रहा था, आप भी उसको लॉन्ग टर्म ही मान के चलना। अगर कहीं पे ऐसा कोई पॉइंट आता है तो हम वहां पे शॉर्ट टर्म पे जाएंगे, क्योंकि वो डेप्री वाला जो पॉइंट है ना, एक्चुअली मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि प्रैक्टिस में वो चीज हम अकाउंटिंग में लगाते हैं, बट यहाँ पे बुक्स में अभी STCG की बात वहां नहीं की थी। तो सेक्शन 54 में हम LTCG पे ही रहेंगे, 54B में क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई किया है, मैंने भी आपके सामने दोनों पॉइंट रख दी, ठीक है? क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आपने जो असेट बेची है वो तो एग्रीकल्चर लैंड है, 2 साल से एग्रीकल्चर में यूज हो रही थी, इंडिविजुअल हो HUF हो चलेगा, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म हो रहा है लॉन्ग टर्म हो रहा है चलेगा, इतनी तो कंडीशन फुलफिल हो गई। आगे देखें, सामने आपने परचेज क्या किया, परचेज में अगेन एग्रीकल्चरल लैंड ही है, मतलब एक खेती की जमीन बेची, सामने दूसरी खेती की जमीन खरीदी। तो यहां पे इस परचेज की वजह से आपको जो भी कैपिटल गेन हो रहा था उसमें एग्जेम्पशन मिलने के चांसेस हैं, और ये सेक्शन 54B बोल रहा है। मतलब एग्रीकल्चर लैंड बेचो, कैपिटल गेन हुआ, एग्रीकल्चर लैंड खरीदो, कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन ले लो, इतनी स्कीम है। आगे देखते हैं कंडीशंस क्या है। देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन इसलिए क्योंकि रूरल में कैपिटल गेन नहीं होता। स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर याद करो, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर याद आया, पॉपुलेशन के बेसिस पे वो पॉइंट है। अच्छा, उस पॉपुलेशन वाले पॉइंट में
एक चीज थी जो शायद मैंने उस दिन डिस्कस नहीं की, मुझे अभी ध्यान आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो बोला था 10,000 से लेस पॉपुलेशन, फिर बोला था 10,000 से 1,00,000, फिर बोला था 1,00,000 से 10,00,000, और फिर बोला था 10,00,000 से ऊपर। ये पॉपुलेशन कौन सी डेट की लेनी है? शायद मुझे ऐसा ध्यान है कि हमने उस पॉइंट पे बात नहीं की थी। पॉपुलेशन देखी जाती है लास्ट सेंसस रिपोर्ट के बेसिस पे, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा है ना कि मैंने आपको जब पहला लेक्चर पढ़ाया था और आज जब मैं आपको ये छठा लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, उसके बीच में भी डेटा हजारों लाखों से चेंज हो गया होगा। ये तो बहुत बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो आपको मालूम है। तो हजारों लाखों करोड़ों भी बढ़ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेंसस रिपोर्ट एक वो बेस है जिसके बेसिस पे ये पता करना पड़ेगा कि क्या पॉपुलेशन हम कंसिडर करें। अब जैसे अभी हमारा जो ईयर है 2020 चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, लेकिन चल रहा है, अब पता नहीं कब तक चलेगा, खत्म हो जाए वही अच्छा है। अब 2020 ये जो ईयर है, अभी लास्ट सेंसस जो है वो हुआ था 2011 में, ठीक है। तो वो जो 2011 की सेंसस रिपोर्ट है उसके हिसाब से आपकी एरिया की जो पॉपुलेशन थी ना, वो इस रेंज में कंसिडर करनी चाहिए हमें। 2019 की भी डेटा को नहीं देखा जाएगा, भले लास्ट ईयर का ही, क्योंकि उसकी कोई सेंसस रिपोर्ट नहीं है, वो तो अनऑफिशियल रिपोर्ट हो सकती है। सेंसस रिपोर्ट ही देखी जाती है। अब अगले साल सेंसस होने वाला है, वो प्रोसीजर भी डिले होगा, बिकॉज ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन की वजह से सब कुछ पीछे चला गया। सेंसस का कैलकुलेशन, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर अभी से स्टार्ट होना था ताकि 21 में रिपोर्ट आ सके, अब वो डिले हो गया है। जब भी होगा वो रिपोर्ट फिर आगे फॉलो होगी, लेकिन 10 साल तक तो वही रिपोर्ट रहती है, वो चेंज होती नहीं है। तो इस तरीके से सेंसस रिपोर्ट के बेसिस पे ये फॉलो होता है, ठीक है। हाँ, तो ये परचेज करना पड़ेगा एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफर पे आपको ये गेन हुआ है। 2 साल वाली कंडीशन बोली हुई है, इंडिविजुअल एचएफ बोला है। सामने आप जो जमीन खरीद रहे हो ना, ये परचेज, इसमें बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड अर्बन हो या रूरल, क्या फर्क पड़ता है, हम तो बाई कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ी कोई गेन हो रहा है, उल्टा हम खर्च कर रहे हैं। और ये जमीन इमीडिएटली परचेज करने की जरूरत नहीं, ये आप अगले 2 साल में परचेज करें कभी भी तो चलेगा। इसमें पिछले नहीं बोला, बिफोर आफ्टर नहीं है, सिर्फ आफ्टर है। जैसा 54 में बिफोर आफ्टर दोनों था, यहाँ पे सिर्फ आफ्टर वाली कंडीशन है। अब अगर सिचुएशन ऐसी है कि कॉस्ट ऑफ द न्यू एग्रीकल्चरल लैंड इज ग्रेटर देन द कैपिटल गेन, तो वही होगा। मतलब इन शॉर्ट ऐसा है कि जो पुरानी जमीन आपने बेची ना, ये वाली, ये आपने बेची 2 करोड़ में, और इस पे कैपिटल गेन आपको हुआ 75 लाख, और आप जो नई जमीन खरीद रहे हो वो 1 करोड़ की। 75 लाख के गेन के सामने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया ना, हो गया पूरा एग्जेम्प्ट, क्लियर है। और अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने इससे कम इन्वेस्ट किया तो एग्जेम्प्शन आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने इन्वेस्ट किया। वो पॉइंट कॉमन है कि जितना आप न्यू असेट में इन्वेस्ट करोगे उसका कॉस्ट, और जितना आप वो डिपॉजिट अकाउंट में इन्वेस्ट करोगे, वो दोनों मिला के जो अमाउंट बनेगा उतना आप एग्जेम्प्शन। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 54B। 2 सेक्शंस हमने कवर अप किए, और भी कुछ सेक्शंस देख लेते हैं, वैसे काफी सारे सेक्शंस हैं, एटलीस्ट आधे भी अभी कवर हो जाए तो बाकी के एक अलग लेक्चर में कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद सेक्शन नंबर 54D है। अब ये सेक्शन 54D अगेन सिमिलर कंसेप्ट पे है, बहुत जल्दी रिलेट हो जाएगा। बात हो रही है कंपलसरी एक्विजिशन की ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। हमने देखा था वो गवर्नमेंट कंपलसरीली लैंड और बिल्डिंग अक्वायर कर लेती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो एन एसएससी इज एंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन व्हिच इज अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन। ये नेसेसरी कंडीशन है। एनी लैंड और बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बिलोंगिंग टू हिम प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। यहाँ पे जो कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का। ठीक है, तो ये पॉइंट खास ध्यान रखना जरूरी है। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की बात हो रही है। कुछ कंडीशंस हैं, देयर मस्ट बी अ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, सच लैंड एंड बिल्डिंग शुड हैव बीन यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस ऑफ द अंडरटेकिंग फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 ईयर्स। मतलब पिछले 2 साल से ये प्रीमाइसेस इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो रही थी, ये जरूरी है। द एसएससी मस्ट परचेज अनदर लैंड बिल्डिंग और कंस्ट्रक्ट एनी बिल्डिंग विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अगर आपसे कंपलसरीली ले ली गई तो उसके सामने आपको दूसरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है वो लेनी पड़ेगी,
या तो आप उसको कंस्ट्रक्ट कर लो या उसको खरीद लो विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स। तो ये टाइम आपको दिया हुआ है, डेडलाइन है, ध्यान रखना है। और इसके बेसिस पे आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। एग्जेम्पशन का तरीका वही है, जितना कैपिटल गेन हुआ है उतना आपने इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पे पूरा एग्जेम्पशन मिल गया। अगर कम इन्वेस्ट किया तो डिफरेंस का अमाउंट टैक्सेबल। जो नई प्रॉपर्टी ले रहे हो उसमें एक तरीके का लॉक इन पीरियड बोल सकते हैं, लॉक इन अगेन वही है 3 इयर्स का। तो 3 इयर्स तक अगर आपने इसको बेचा तो जितना भी कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिला था वो ईयर ऑफ सेल में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है सेक्शन नंबर 54 कैपिटल डी। इसके बाद बात करते हैं 54EC की, ठीक है। 54EC वाला जो सेक्शन है इसमें उन्होंने बोला है नो टैक्स ऑन द LTCG इफ द इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स। कहां कहां इन्वेस्टमेंट करना है वो चेंज हो रहा है। सेक्शन 54EC की बात हो रही है, ठीक है। जो असेट हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो कौन सी हो सकती है, वो बोला है देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैपिटल असेट की बात कर रहे हैं, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, ठीक है। तो आप जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो इससे जो भी कैपिटल गेन अराइज होगा वो कैपिटल गेन का आप करेंगे क्या, आपको स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में दो टाइप के बॉन्ड्स हैं, एक है NHAI के बॉन्ड्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूसरे REC के बॉन्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी, दैट इज REC। तो ये दोनों में से किसी भी एक के अगर आप बॉन्ड्स ले लें तो भी चलेगा। और भी कुछ ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने एड किए हुए हैं, दैट इज पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और एक है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये चार नाम है, पहले ये दो ही थे, अब और दो भी यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस में दिए हुए हैं। तो ये चारों में से किसी के भी आप बॉन्ड्स ले लें। फिर बोला है और भी कोई नोटिफाइड बॉन्ड्स हो तो वो भी ले सकते हैं। तो कुछ एडिशंस हैं यहाँ पे भी, पहले जनरली NHAI और REC आते थे, अब ये दो भी ऐड हुए, बोला कि और भी कोई नोटिफाइड बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो जितनी भी नोटिफिकेशन आए होंगे उसके बेसिस पे होगा। एग्जाम के लिए आप ये चार नाम याद रखोगे बहुत है, क्योंकि मॉड्यूल में उन्होंने इतने दिए हुए, ठीक है। अब बोल रहे हैं द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांसफर ऑफ सच असेट शुड बी इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो ये असेट बेची, कैपिटल गेन हुआ, ये जो बॉन्ड खरीदने है ना, ये खरीदने का काम आपको करना है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो ये डेडलाइन है आपके लिए। लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट्स की जो बात हो रही है वुड इम्प्लाई द बॉन्ड्स रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स, मतलब ये जो बॉन्ड्स आप खरीद रहे हो ना इसके लॉक इन पीरियड की बात की है, इसका लॉक इन जो है कम से कम 5 साल का होना चाहिए, ये एक कंडीशन हो गई। द असेसी शुड नीदर ट्रांसफर नॉर कन्वर्ट और अवेल लोन विद दिस बॉन्ड एज अ सिक्योरिटी। ना इसको गिरवी रख सकते हो, ना इसको ट्रांसफर कर सकते हो, ना इसको कन्वर्ट कर सकते हो, एटलीस्ट 5 साल तक। और अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा, टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, क्लियर। इन केस द एंटायर LTCG और द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द स्पेसिफाइड बॉन्ड विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। वो अगेन वही है, जितना कैपिटल गेन हुआ आपको उतना एग्जेम्प्ट करना, मतलब उतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पूरा इन्वेस्ट कर दिया तो एग्जेम्प्शन आप पूरा ले सकते हैं। तो ये है 54EC। इसके बाद सेक्शन है 54EE। ये भी एक छोटा सा सेक्शन है, ये इन्होंने बोला स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए कि अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पैसा आप किसी ऐसी इंस्टीट्यूशन में या कोई ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं जो फंड स्टार्टअप कंपनीज को फंडिंग करने का काम करता है, प्रमोट करने का काम करता है, तो उसमें आपको ये सेक्शन में डिडक्शन मिल सकता है। इसमें भी टाइम लिमिट वही 6 मंथ्स की है, बट ये बॉन्ड्स के बदले वो फंड्स आ जाएंगे जो स्टार्टअप फंड्स हैं, जो स्टार्टअप कंपनीज को फाइनेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया है उसकी लिमिट रखी है 50 लाख रुपए। तो 50 लाख रुपए तक का डिडक्शन यहाँ आप क्लेम कर सकते हैं। अगेन जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना डिडक्शन, और लॉक इन पीरियड यहाँ पे है 3 इयर्स का। देखो कंपैरिजन में ना सेक्शंस बहुत सिंपल हो जाएंगे, एक बार आपने एक सेक्शन समझ लिया तो बाकी के सेक्शंस में सिर्फ वो टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होती जाएंगी, असेट चेंज होती जाएगी, लेकिन फॉर्मेट जो है वो सिमिलर रहेगा, क्लियर। तो ये पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद अब जो सेक्शंस बचे हैं ना 54F से लेके, वो अगेन इतना ही टाइम ले लेंगे, अभी है बाकी है, तो बेटर है कि हम उसको नए लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी काफी सारे पॉइंट्स यहाँ कवर हो चुके हैं,
तो आज के इस लेक्चर में हम इतने सेक्शंस रखते हैं, आप पहले इसको देख लो, बाकी के जो नेक्स्ट लेक्चर्स जो सेक्शंस हैं हम उसको अगले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।